कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल इस फंक्शन के बारे में, म्यूजिकल नाइट के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, फोटोग्राफर एसोसिएशन के बारे में, मुंडे मीडिया के बारे में? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के सपोर्ट से हम सब, और कहने को बहुत कुछ है लेकिन संक्षिप्त में कहूँ तो सबसे पहले मुंडे मीडिया इवेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो उन्होंने शुरुआत की है इवेंट जगत में। प्रभु उनको बहुत बहुत कामयाबी दे और हर साल इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करके हम सबको सम्मानित करे, आमंत्रित करे। और सीनियर फोटोग्राफर टीवी एंड मोशन पिक्चर फोटोग्राफर एसोसिएशन के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग जो चमकते हैं तो उनकी बदौलत चमकते हैं। इस एसोसिएशन के सारे फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे हिंदी और रीजनल चलचित्र जगत को दुनिया तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ऐसे दो दिग्गजों द्वारा हमें जो सम्मान मिला है या किया गया है, और वो भी लेजेंड डायरेक्टर मेहुल कुमार जी, ग्लोबल के संजीव जी और रजा मुराद साहब जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में हमने जो सम्मान पाया है, उसके लिए हम मुंडे मीडिया इवेंट्स का और सीने टीवी मोशन फोटोग्राफर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। कारगिल से कन्याकुमारी तक भी यहाँ पे म्यूजिक लॉन्च किया गया, आप उसके प्रोड्यूसर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मंच पे आपके प्रमोशन किया गया, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बस इसीलिए कहना चाहूँगा कि मनोज कुमार जी के बाद किसी ने देशभक्ति की अधिक से अधिक फिल्म दी तो मेहुल कुमार जी थे, और इस कार्यक्रम के वो प्रमुख अतिथि थे, और उनके हाथों से ही कारगिल से कन्याकुमारी का जो देशभक्ति समर्पित मेरा भारत गाना है वो म्यूज़िक लॉन्च हुआ। तो गणतंत्र दिवस इतना अच्छा समारोह और उसमें मेहुल कुमार जी जैसी हस्ती के हाथों, तो बस यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग इस गाने को देखें और भारत को हर भारतीय की तरह और प्यार करें।